डेवलपमेंट हमने पिछले लेक्चर में थ्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेकेट देखे थे अब आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिवेलपमेंट लेटर ईयर्स में कैसे हुई

east pakistan and west pakistan these two wings were separated now the west pakistan now consolidated as one country usme issues the bahut sare problems because defense pe bahut spend this is how the pakistani people were looking at it at that time so what happened was ke itne crunch इतने डाउनफॉल के बाद कि जब इकोनॉमी आपकी डिमेंडल कर जाए आपके मुल्क का एक पार्ट आपसे अलग हो जाए प्लस आपके पास कोई ऐसी वर्थ वाइल चीज ना रहे जिसपे आप बिल्डअप कर सकें सो द फर्स्ट सेवन ईयर ऑफ दिस डेकेड इस डेकेड के पहले सात साल वो डिसअपॉइंटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक फ्रंट पे मैशत के फ्रंट पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई इनफैक्ट अमेरिकन डॉलर की वैल्यू गिर गई और अमेरिकन डॉलर जो है वो 4.76 पॉइंट से चार रुपए छिहत्तर ग्यारह रुपए पे आ गया ऑन द होल नेशनलाइजेशन कास्टेड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी जुल्फार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन जो थी वो की थी पूरे मुल्क में जिससे प्राइवेट सेक्टर जो द वेल्थ विच वॉज इन फ्यू हैंड्स हैंड 22 कैपिटल फैमिलीज इफ यू को रिकॉल उसको खत्म करने के लिए जब नेशनलाइजेशन की गई तो नेशनलाइजेशन का इम्पैक्ट इकॉनमी पे बुरा आया क्यों क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ओन कर ली इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्रीज तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का खर्चा इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए ज्यादा होने लग गया तो गवर्नमेंट के बजट के ऊपर बर्डन आ गया सो so, उससे मीषत या इकोनॉमी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई इम्प्रूवमेंट आई फिर जनरल जयाउल हक के इरा में सो so, डेवलपमेंट जब जनरल हक ने मुल्क की बात दौड़ संभाली तो उन्होंने जो स्टेप्स या जो इकदाम उठाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो बहुत सक्सेसफुल साबित हुए पास so, ये वो ऑर्डिनेस था जिसके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रियल ओनर्स इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली जो इंडस्ट्रियल यूनिट पहले नेशनलाइज हुए थे एग्रीकल्चरल सेक्टर से एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड उन यूनिट्स को उनके फॉर्मर ओनर्स उनके पुराने मालिकों को या मालिकान को वापस कर दिया गया इससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चरल यील्ड एंड एक्सपोर्ट परसेंटेज इंक्रीज इससे इकोनॉमी पे ये फर्क पड़ा कि जब वो प्राइवेट ओनर्स के पास वापस चली गई दे इन्वेस्टेड तो एग्रीकल्चरल रॉ मेटीरियल प्रोड्यूस इंक्रीज हुई एग्रीकल्चरल यील्ड इंक्रीज हुई और एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी वो इंक्रीज की लेकिन हाउ वै जनरल जियालख का इरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का मतलब है पैसे में इंक्रीज या पैसे की वैल्यू में इंक्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो so, इन्फ्लेशन हुई और उसका नेगेटिव इंपैक्ट आया इकॉनमी पे वाई बिकॉज इन्फ्लेशन जब हुई तो जो अमेरिकन डॉलर या जो यूरोपियन पाउंड थे उनकी पाकिस्तानी रुपयों में कीमत बढ़ गई टे सात सौ पचास करोड़ रुपए जो थे वो एलोकेट किए गए फोर्थ फाइव ईयर डेवलपमेंट प्लान को जो उन्नीस सौ सत्तर से उन्नीस सौ पचहत्तर तक का था इस प्लान के लिए इतने रुपए जो थे वो एलोकेट किए गए लेकिन इस प्लान में टार्गेट्स वर नॉट मेड टारगेट्स किस तरह अचीव नहीं हुए कि जी में इंक्रीज नहीं आया एक्सपोर्ट में इंक्रीज नहीं आया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में इंक्रीज नहीं आया जब ये इंक्रीज नजर नहीं आई या ये इम्पैक्ट या ये असर नजर नहीं आया तो एट लास्ट इस फोर्थ फाइव ईयर प्लान को कैंसिल कर दिया गया सो so यस yes, अगर आप देखें तो फोर्थ पीरियड में इकोनोमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया वहां स्टेगनेंट रहना मतलब एक जगह पे रुके रहना वो तो दूर की बात थी बट बढ़ने की बजाय डिक्रीज आ गया फॉल आ गया अब चलते हैं फिफ्थ पीरियड की तरफ जो 1980 से 1990 तक का है सो उन्नीस सौ से 1990 का पीरियड रिकॉर्ड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन राइस व्हीट एंड शुगर क्रेन ये वो डेकेड था ये वो दस साल थे जिसमें रिकॉर्ड इंक्रीज आई ऑफ पास्ट ऑल द इयर्स और जो रॉ मटेरियल्स थे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थी जो प्रोडक्ट्स थी जो क्रॉप्स थी उनकी जो प्रोडक्शन है वो बेतहा इंक्रीज की और उनमें जो मेनली थी वो थी कॉटन राइस चावल वीट गंदम और शुगर केन गन्ना इनमें इनकी प्रोडक्शन में बहुत इंक्रीज आई सो so, जो टोटल इंप्रूवमेंट थी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट थी या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो इंप्रूवमेंट थी वो आई सिक्स पॉइंट टू परसेंट छ इशारिया दो फीसद अगर अब आप कंपेयर करो तो पिछले डेकेड में सत्तर से अस्सी में डिक्रीज आया डिसअपॉइंटिंग था इकोनॉमी नीचे चली गई यहां पे पहले उसको बैलेंस किया और फिर बैलेंस करके 6.2 परसेंट एनुअली पर ईयर ये राइज आया एग्रीकल्चरल सेक्टर में 1982 से 84 ये वो साल थे जब प्राइवेटाइजेशन ने जोर पकड़ा प्राइवेटाइजेशन मतलब जो इंडस्ट्रीज थी या जो कंपनीज थी उनको उनको प्राइवेट ओनर्स ने ओन किया इन्वेस्टमेंट शुरू की प्राइवेट सेक्टर में इस प्राइवेटाइजेशन से जो गवर्नमेंट ने प्रमोट किया इन्वेस्टमेंट प्रमोट हुई लोगों ने पैसे लगाना शुरू किए जब पैसे लगाना शुरू किए इंडस्ट्रीज और कंपनीज बनाना शुरू की तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई रोजगार क्रिएट हुआ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज जब रोजगार क्रिएट हुआ और उन लोगों ने अपनी जेब से पैसा लगा के जब प्रोडक्शन इंक्रीज की तो टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो कंट्री पूरी एग्रीकल्चर में क्रॉप्स या प्रोड्यूस कर रहा था प्रोडक्ट वो इंक्रीज कर करें फिर आया फिफ्थ फाइव ईयर डेवलपमेंट प्लान ये प्लान जो था ये 1978 से 1983 तक रहा 1978 से उन्नीस तक इसमें शुरू के सालों में मोहम्मद खान जो जुनेजो वॉज द प्राइम मिनिस्टर और उसके अंडर फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 85 फाइव टू एटी एट फाइव पॉइंट प्रोग्राम फॉलो किया गया इस प्रोग्राम को फॉलो करते हुए बड़ा फायदा रहा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की इन्वेस्टमेंट इसलिए इंक्रीज की क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रमोट किया गया था रोड विल्ट इन विलेजेज एंड कनेक्टेड टू देम टू सिटी मार्केट अब जो गाँव थे जहां मेजर खेती बाड़ी की जाती थी वहां पर सड़कें बना दी गई जब ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया गया तो सिटी शहरों की मार्केट से वो कनेक्ट हो गए सो दैट ऑल्सो प्रोमोटेड द एग्रीकल्चरल सेक्टर जकत एंड उशर सिस्टम हेल्प द डिजर्विंग पीपल जक़त और उशर जो ऑर्डिनेंस थे वो पास होने की वजह से उनको फॉलो करने की वजह से जो डिजर्विंग लोग थे जिनको जरूरत थी जो हकदार थे पैसों के या जिनको बेसिक जिंदगी की जरूरिया चाहिए थी उनको हेल्प किया गया डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर ये वो टाइम था जिसमें बैकवर्ड एरियाज डेवलप किए गए रोड बिल्ड की गई उनके अंदर बाकी सेक्टर्स में डेवलपमेंट आई एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को अटेंशन दी गई ये वो सेक्टर था जो अब तक शायद निगलेक्टेड जा रहे थे बट इनको जब इंपॉर्टेंस दी गई तो लिटरेसी रेट में इंप्रूवमेंट नजर आया सो टोटल जीडीपी इंक्रीज सिक्स परसेंट थी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो सिक्स परसेंट इंक्रीज की एग्रीकल्चर सेक्टर वो 2.3 परसेंट इंक्रीज किया एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स दोनों में इक्वली सिक्स सिक्स परसेंट का राइज आया सो ये एक इरा था जिसमें वापस इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी वो अपनी स्पीड पकड़ रही थी और बहुत अच्छी मीशत में जो चेंज थी वो नजर आ रही थी यहां पे जो नेगेटिव इंपैक्ट आया वो आया फिर इन्फ्लेशन रेट ऑफ इन्फ्लेशन सिक्स परसेंट छह फीसद तक इंक्रीज आया लेकिन एक बहुत अच्छा चेंज आया इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में थर्टीन पॉइंट सिक्स परसेंट राइज आया बिकॉज देखें जहां मीशत इंप्रूव कर रही है वहां साथ साथ वन थिंग्स आर मूविंग साल गुजर रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको केटर करने के लिए रिसोर्सेज उनको केटर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी जरूरत है सो एनर्जी सेक्टर में ये डेवलपमेंट बहुत मायने रखती थी उस वक्त फिर आया नाइनटीन एटी नाइन टू नाइन नाइन ये वो दौर था जब बेनजीर भुट्टो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी बहुत अच्छे इकदाम किए जिनकी वजह से जी में फाइव राइज आया एग्रीकल्चर में फोर परसेंट हालांकि एग्रीकल्चर में एक्सपेक्टेड था बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूवेंसम की वजह से ट्रेडिस मतलब है कि जो पैसे पाकिस्तान ओ करता था किसी को जो देने थे वो कम हो गए मतलब अगर पहले फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के हजार रुपए देने थे आपने पांच सौ दे दिए तो पीछे पांच सौ रह गए तो जो डेफिसिट था जो कमी थी वो कम हो गई तो आपने हजार की बजाय पांच सौ देने थे तो सिमिलरली पाकिस्तान का भी ट्रेड डेफिसिट जो था वो डिक्रीज कर गया इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की क्योंकि इस इन सालों में भी प्राइवेटाइजेशन प्रमोट हो रही थी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर गई फिर आया सिक्स्थ पीरियड ये पीरियड था 1990 से 2000 तक का इसमें इंप्लीमेंट हुआ सेवेंथ फाइव ईयर प्लान जो कि 1988 से 1993 तक रहा ये सेवंथ फाइव ईयर प्लान जो था इसमें भी पॉजिटिव इंपैक्ट आया लेकिन पॉलिटिकल फोरग्राउंड पे चेंजेस आ रहे थे क्योंकि पहले बेनजीर भुट्टो वॉज द प्राइम मिनिस्टर में उनको रिमूव किया गया तो फिर आई नवाज शरीफ की गवर्नमेंट एंडल पर मार्शल लॉ सो लेट सी प्लानसली इम्प्लीमेंट हुआ जब बेनजीर भुट्टो की हकूमत थी उसमें जी डी पी फाइव परसेंट इंक्रीज किया एग्रीकल्चर फोर पॉइंट सेवन परसेंट इंक्रीज किया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फाइव पॉइंट नाइन परसेंट इंक्रीज किया रेट ऑफ नेशनल्व पॉइंट सेवन परसेंट तक इंक्रीज कर गया सो यस अब इसका मतलब है कि नेशनल लेवल पे या कौमी बचत तो जो थी वो भी इंक्रीज कर रही थी 50 मेडिकल सेंटर्स पर सेटअप एंड लिटरेसी रेट वेंट अप टू 36 परसेंट अब ये वो एरा है ये वो डेकेड है जिसमें ना सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पे इंक्रीमेंट आई बल्कि लिटरेसी रेट एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई फिर आया एट फाइव ईयर प्लान ये प्लान था 1993 से 1998 तक एंड दिस वाज़ द लास्ट डेवलपमेंट प्लान इसके बाद कोई भी फाइव ईयर डेवलपमेंट प्लान इंप्लीमेंट नहीं किए गए पाकिस्तान में लेकिन इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव था जीडीपी सिक्स जी डी पी सिक्स परसेंट इंक्रीज किया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी टू पॉइंट एट परसेंट बाईस इशारिया आठ फीसद तक प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर गई प्राइवेट लोगों ने पैसे लगाने शुरू कर दिए टैक्स रिटर्न ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है एक इकोनॉमी एक के लिए एक मैशत के लिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है या हमारी जो आबादी है या जो नेशन है कॉम है उन्होंने टैक्स भरना प्रॉपरली शुरू किया और टैक्स रिटर्न जो कि फिर गवर्नमेंट सेविंग में जाता है या गवर्नमेंट इनकम में जाता है वो 22.6 तक इंक्रीज कर गया लिटरेसी रेट 37.9 परसेंट पे आ गया जो पहले पिछले फाइव ईयर प्लान में थर्टी हुआ था उसमें मजीद राइज आ गई थर्टी एक्सपोर्ट डिक्रीज कर गई ये एक नेगेटिव इंपैक्ट था वाहिद